मुकुंदलाल भुर्तिया चेन्नई के हैं। हम मुंबई से मुंबई आ रहे थे बाइक से, तो थोड़ा तबीयत ऐसा लग रहा था कि हमें बुखार जैसा लग रहा था, तो मैं फिर रात को 11 बजे घर पे पहुंचा। अब पहुंचने के बाद सुबह में फिर रात भर आराम किया, सुबह फिर डॉक्टर के पास आए और डायरेक्ट आके चेकअप कराया जी। किसी को भी तस्वीर नहीं किया था। ये ऐसा था कि हमारा परिवार एक जन की वजह से हमारा 50 जन से बच सकते हैं, तो हमें बचाना चाहिए। अभी बहुत अच्छा है और हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं जी, बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। जितना भी इनका करें उतना भी कम पड़ेगा। और डॉक्टर तो हमारे भगवान के रूप हैं, जो हमारी हालत थी उस हालत के हिसाब से हमें नहीं लगता था कि हम भगवान जाने क्या होगा, लेकिन पूरी तरह से केयर किए सब लोग और डॉक्टर टाइम टू टाइम दवा इंजेक्शन जो भी होता है सब करके दिए। और मैं इतना जल्दी 3-4 दिन में मैंने मुझे खुद ऐसा लगता था कि मैं 3-4 दिन में ठीक हो गया हूँ, ऐसा 3-4 दिन में ही लगता था। लेकिन फिर भी वो क्या है, बॉडी का सब ये कर रहे थे ना, ये लगा शायद कुछ अभी प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से सब हो रहा है। होता चला गया, हमारा रिपोर्ट आया अच्छा आया, डॉक्टर ने छोड़ दिया। उसके लिए धन्यवाद सब डॉक्टर लोग को, बहुत अच्छा यहाँ पे केयर किया। रीवा जिले में अब तक 32 ऐसे प्रकरण आए जो कि कोरोना से संक्रमित थे, जिसमें 2 प्रकरण पहले जो थे डॉक्टर सिंगल के परिवारजन थे, वे दोनों स्वस्थ होकर पहले ही अपने घर जा चुके हैं। आज मेडिकल कॉलेज रीवा से ऐसे पेशेंट्स को रवाना किया गया जो कि पूरे तरह स्वस्थ हो गए हैं और कोरोना से लड़कर वे स्वस्थ हुए हैं। उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता इलाज के दौरान बढ़ाई गई, अच्छी दवाइयाँ दी गई, फल दिए गए और जो प्रोटोकॉल होता है कोरोना के लिए उसका पूरा पालन किया गया और इसके फल स्वरूप ऐसे व्यक्ति आज पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने अपने घर की ओर रवाना हुए हैं। जो शेष व्यक्ति हैं जो अभी जिनका इलाज जारी है वे भी सभी स्वस्थ हैं और किसी की भी हालत ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई तकलीफ हो उनको। निश्चित रूप से उनकी जो अवधि है वो समाप्त होने के पश्चात वे भी स्वस्थ हो जाएंगे और शीघ्र ही वो अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कोरोना के लड़ने के लिए जो भी शासकीय अमला इसमें तैनात है उस सभी का धन्यवाद करता हूँ, खास रूप से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत बड़ा अमला जो लगा हुआ है जिसमें आशा, ऊषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, उसके अलावा सरपंच, सचिव, जीआरएस और बड़ी संख्या में जो इस काम में लगे हुए हैं, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयासों से कोरोना के संक्रमण को रोकने में हम सफल हो पाएंगे। और आशा है कि जितने भी हमारे भाई बहन इससे संक्रमित हैं वो शीघ्र स्वस्थ होंगे।